Good morning, everyone. Good morning, Vivek. Good morning to all other viewers जो सेशन को देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कमेंट से कोई बात नहीं की. So good morning to all of you. So gate 2024 के चालू हुए सीरीज में आप सभी का स्वागत है. So IFS शुरू कर रहा है गेट 2024 को लेकर के जो भी एस्पायरेंट्स उन सभी के लिए एक बेसिक आप कह सकते हैं फंडामेंटल कोर्स टाइप YouTube एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको एक बेसिक तरीके से समझाई जाएंगी बताई जाएंगी. गुड मॉर्निंग शिबा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक बार फिर से आप सभी को रितु गुड मॉर्निंग. सो आंसर की आ चुकी है बाकी सब बातें आपको पता है रेस्पॉन्स शीट और सब चीजों का अंदाजा आपको लग गया होगा है ना क्योंकि आंसर की तो एक तरह से रिलीज ही हो गई है और आपको पता भी चल चुका है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है. आप इस एग्जाम में सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इस बात का अंदाजा आपको लग चुका है ना. तो 23 वाले एग्जाम में सफल हुए बहुत अच्छी बात है बधाई हो कंग्रेचुलेशन. नहीं हुए कोई बात नहीं 24 की तैयारी अभी से शुरू हो रही है. उसके अलावा वो सारे बच्चे न्यू एस्पायरेंट्स जिन्होंने 24 को अपना टारगेट माना हुआ है उनके लिए भी और जो किसी वजह से सफल नहीं हो पाए उनके लिए भी दोनों ही तरह के एस्पायरेंट्स के लिए बच्चों के लिए IFS शुरू करने जा रहा है. गेट 2024 को प्रोसेसिंग करेंगे या हम कह सकते हैं टारगेट करेंगे हर तरह से प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली वो सारी जरूरतें वो सारी बेसिक चीजें जो गेट 2024 की तैयारी के लिए हमें पता होनी चाहिए उन सभी के ऊपर आपको लाया जाएगा कई तरीकों से न सिर्फ और सिर्फ पढ़ा करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करते हुए. उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कौन से टाइप के जरूरी हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ने जरूरी हैं एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा नजरिया गेट एग्जाम के रिक्वायरमेंट है इन सारी चीजों को लेकर के हमारे इन सेशंस में चर्चा होती रहेगी. तो ये सेशन सिर्फ इसलिए नहीं होंगे यहाँ एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा ये सेशन इसलिए भी होंगे कि उस टॉपिक को गेट के नजरिए से कैसे पढ़ा जाएगा. अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आज के दिन हम बॉटनी जैसे एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं प्लांट डेवलपमेंट एंड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दैट प्लांट डेवलपमेंट पार्ट इसके ऊपर चर्चा होगी. लेकिन याद रखें कि ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्लांट डेवलपमेंट से रिलेटेड या उसी के आसपास सीमित नहीं है. आप हर एक सेशन को क्यों जुड़ेंगे मैं आपको पहले बता दूं कि हमने 2024 झलक सीरीज इस नाम से हमारी सबसे पहली सबसे शुरुआती सीरीज को लाने का सोचा है और आज से शुरू भी हो गई है लेकिन उस नाम से आपको बस कुछ दिनों में सारी बातें बता दी जाएंगी. सबसे पहले होगा ये कि सारे बेसिक्स सारी आउटलाइंस मान लीजिए 2024 के जो एस्पायरेंट्स है जिन्होंने कोशिश की है या टारगेट करना चाहते हैं कि 24 को हम क्वालिफाई करेंगे है ना कोशिश करने की 24 में हम किसी तरीके से लगेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बेसिक पोर्शन से शुरुआत करके कैसे आपका बेस बना दिया जाएगा और बेस बनाने के बाद फिर एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से हम हर एक यूनिट को हर एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे. ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी चलती रहेगी लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर सीरीज के अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको आकर के टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा उससे ज्यादा भी बहुत कुछ होगा जिसमें 24 के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के दौरान उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान और फाइनली 24 में उस टॉपिक में से क्या क्या लगता है जो कि आपके काम का हो सकता है. ध्यान रखिएगा एकदम बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे उस टॉपिक में हम उन सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे जो आपके 24 एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं. तो मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सिर्फ आज नहीं लगातार जुड़े रहिए क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कोई ऐसी बात जरूर सेशन में रहेगी जो कि आपको 24 की तैयारी में काफी ज्यादा मददगार होगी. तो ऐसा नहीं करना है कि हमने तैयारी एक दिन पूरे जोश के साथ शुरू कर दी और उसके बाद फिर 2-4-10 दिन बाद ठंडे पड़ गए. जी नहीं लगातार आपको हमारे इस चैनल के ऊपर आते रहना है
जो भी 40 से 50 मिनट के सेशंस होंगे, याद रखें लाइव सेशंस, उनको अटेंड करें, उसमें से जो काम की बातें सीखें, एग्जाम स्पेसिफिक जो चीजें उनको नोट डाउन करके रखें, और उसी के साथ साथ अदर सारी एक्टिविटीज जो चैनल पर हो रही हैं वो आप ही के लिए हो रही हैं, इसलिए उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से सेशन को लेकर के आया हूं, और जिस प्लानिंग के साथ हम 24 को शुरू कर रहे हैं, 24 को टारगेट कर रहे हैं, वो सारी बातों की थोड़ी बहुत झलक आपको मिल गई होगी। यस, झलक सीरीज के नाम से इसको लेकर के आ रहे हैं, है ना। और याद रखें कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये झलक फाइनली आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, सो इतना इंट्रोडक्शन काफी है, और अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट की। गेट एक्सेल 34 ओबीसी कैटेगरी, शांति का क्वेश्चन है। बेटा आपका हो गया, निश्चिंत रहो, आप गेट क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि जस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, है ना। तो जस्ट क्वालिफाई होना इज नॉट अ बिग डील इन अ गेट एग्जाम, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि एक एस्पायरेंट के लिए एम जो है वो टॉप 10 का, न टॉप 10 हो सके तो एटलीस्ट टॉप 100 का होना चाहिए, तब जाकर के आपके जीवन में गेट का कुछ बड़ा इंपैक्ट पड़ पाएगा। ओके, शिवानी जी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सीएसआर के लिए भी काम का होगा, गेट के लिए भी काम का होगा, सारे सेशन हमारे सबके काम के होंगे, लेकिन एक बात साफ मैं कह दूं कि बेटा आप गेट के चैनल के ऊपर हो, आप गेट के चैनल के ऊपर हो, गेट स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ रहे हो, है ना। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि वो सीएसआर के काम नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा काम गेट के लिए आएगा। ये सवाल तो कहीं से भी कोई लॉजिकल नहीं है आपका कि आप गेट के चैनल के ऊपर आकर के पूछते हैं कि सर क्या ये सीएसआर के लिए काम का है, सीएसआर की जो एक्टिविटीज हैं वो सीएसआर के चैनल पर चल रही है। ठीक है, तो नजरिया थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारे लाइफ साइंस वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। जी बेटा, सावित्री पूछ रहे कि सर ऐप के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से लिया गया एक फीचर है, जिसकी वजह से आप ऐप के अंदर किसी भी कंटेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। तो हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं इस सेशन के अंदर, गेट के अंदर बॉटनी वाले सब्जेक्ट के जितने भी एस्पायरेंट है, जितने भी विद्यार्थी हैं, और मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि गेट का या फिर आपके बॉटनी का स्पेशलाइजेशन तो ही आप ये सेशन सुनो, क्योंकि गेट एग्जाम में कौन सा कॉम्बिनेशन आसान होगा ये पहले से प्रिडिक्ट करना हमेशा ही गलत रहता है, है ना। वो तो एग्जाम के दिन प्रेडिक्शन होना चाहिए कि चलो ठीक है, मैंने सारे पेपर स्क्रीन कर लिए, स्क्रीन करने पर पता चला कि ये कॉम्बिनेशन इस बार सबसे आसान है, तो क्यों ना इसी कॉम्बिनेशन को अटेम्प्ट किया जाए जिससे सबसे ज्यादा, स्पेशली गेट एक्सेल की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये बॉटनी वालों का है तो बॉटनी वाले देखेंगे, लाइफ साइंस के अदर जो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो नहीं देखेंगे। जी नहीं, ये वाली सोच, ये वाली मेंटालिटी एक गेट एस्पायरेंट के लिए गलत है, और ये आपको नुकसान दे सकती है अगर आप गेट एक्सेल एस्पायरेंट है। आप बीटी एस्पायरेंट है तो ठीक है, आपका सिलेबस फिक्स है, आपका पोर्शन फिक्स है, और आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। बट हियर वी आर हैविंग ऑप्शंस, पढ़ाई करो सबकी, और जो सबसे इजी हो उसी को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता ही होगा कि आईएफएस के अंदर चल रहा है फ्लैट 50% तक ऑफ, और साइंस, नेशनल साइंस डे के उपलक्ष में इसे 3 दिन बढ़ा दिया गया है, और अब ये ऑफर वैलिड है 1 तारीख तक, है ना, 1 तारीख तक। जो भी रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्सेस में, जी हाँ, 24 की तैयारी को लेकर के हमने जो है बैचेस लाने शुरू कर दिए हैं, लाइव बैचेस भी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैचेस भी आ भी चुकी है। एक बैच अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले शुरू हुई है, राइट। तो आप उन बैचेस से जुड़ सकते हो, और जुड़ने का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपके पास मौका है, सीधे फ्लैट 50%, 6 महीने की फीस भरे, 6 महीने फ्री पड़े, या कह सकते हो 3 महीने की फीस भरे, 3 महीने फ्री पड़े, क्योंकि 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, साल भर की वैलिडिटी का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और आपकी जो भी इच्छा होगी आप उस कोर्स को ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो कुछ इस प्रकार से है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को लेकर के चर्चा। तो बात यह है कि पहले तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल क्या, क्या खास बात होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ये सारी बातें आप
बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं और कई सारे बच्चों को पता भी है, लेकिन क्या एग्जाम में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में वो काम की है? तो मैं कहूंगा जी नहीं। आपको उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, और वो भी कहां से? डेवलपमेंट वाले पार्ट से, एंजियोस्पर्म्स के डेवलपमेंट वाले पार्ट से, मतलब गैमिट बनने से, गैमिट के फ्यूजन से, है ना, आगे तक के पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट तक का जो इवेंट है, ये सारी बातें आपको डेवलपमेंट के अंदर पढ़नी होती हैं, और इन सारी चीजों से सवाल आते हैं। तो कई बार एक ब्रॉड व्यू बना लिया जाता है कि भाई एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना मतलब आप क्लासिफिकेशन से शुरू करो। जी नहीं, यहां पर क्लासिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां जो जानकारी हमें चाहिए वो गैमेटोजेनेसिस से शुरू करके पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस तक की बातें हैं जो आपको पढ़नी है। मतलब हमारा पहले से ही जो एम है वो क्लियर हो गया, इतना ही यहां से शुरू करेंगे, यहां पर खत्म करेंगे, इतना पोर्शन पढ़ना है। ठीक, तो हम शुरुआत उसी के साथ करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर पूरी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो पूरी लाइफ साइकिल किस प्रकार के एंजियोस्पर्म की होती है, नॉल बहुत सारी बातें। और फिर दूसरा जो जरूरी हिस्सा आ जाता है कि मान लीजिए मेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो मेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, है ना, ये पता होना चाहिए। फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है ये पता होना चाहिए। इस बार एग्जाम में सवाल आया था नैट के अंदर, है ना, जिसमें 2n = 8 ओव्यूल के अंदर अगर मान लीजिए दे रखा हो, इस प्रकार की बहुत सारी बातें की गई थी। और फिर मेल गैमेटोजेनेसिस में पोलन ग्रेन के अंदर नॉन डिसजंक्शन कहा गया था, और इन सारी स्थितियों को अगर बना दिया जाए तो बताइए आउटपुट क्या होगा। इन सारी बातों को समझने के लिए इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट का बेसिक पता होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप बॉटनी के स्पेशलिस्ट बन जाए, लेकिन एक बेसिक जरूर आपको पता हो जो नॉर्मल प्लांट डेवलपमेंट, स्पेशली प्लांट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही लिमिटेड तरीके से इन्हीं सारी बातों के ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है। महिमा जी गुड मॉर्निंग, प्रियंक बेटा गुड मॉर्निंग, मुकेश जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बस शाबाश। तो चलिए, लाइक और शेयर आप लोगों ने कर ही दिया होगा मुझे पता है, और आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक सा है। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के तरीकों के बारे में, और रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो एग्जैक्टली कैसा है प्लांट्स में, इसी को लेकर के हमारी सारी चर्चा रहने वाली है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ हाईली इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप। ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म्स को हाईली इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप के तौर पर देखा जाता है। आज के समय पर प्लैनेट अर्थ के ऊपर द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज के तौर पर एंजियोस्पर्म्स को देखा जाता है, ये जानकारी भी आपके पास है। एंजियोस्पर्म्स की खासियत क्या है, ये अलग कैसे हैं बाकी सारे प्लांट्स से, बाकी सारे प्लांट्स से अलग कैसे हैं, इस बात को जानने से बेहतर है इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस पर चर्चा की जाए, है ना। और जब आप इस बात पर चर्चा करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये बाकी सारे प्लांट ग्रुप से डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। ठीक है जी मुकेश जी, सारी क्लासें होंगी लेकिन गेट स्पेसिफिक, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। एंजियोस्पर्म्स की खास बात कई सारी हैं, कई सारे ऐसी बातें, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो एक के बाद एक, और मेंशन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी चीजें हैं जो कि आपको पता चलेंगी, है ना। जैसे कि एक मैं लिस्ट जनरली गिनाने की कोशिश करता हूँ, आपने सुन रखा होगा। पूरे के पूरे लाइफ साइकिल की बात अगर की जाए तो कहा जाता है कि दो फेजेस में पूरा लाइफ साइकिल बटा हुआ होता है, स्पोरोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज जनरली डिप्लॉइड फेज कहलाती है, मतलब प्लांट का जो बॉडी है, मतलब ट्री, रूट, स्टेम, लीफ एंड ऑल, ये सब ये स्पोरोफिटिक फेज के हिस्से कहे जाते हैं। इसका मतलब कंप्लीट प्लांट बॉडी अलोंग विद इट्स रूट, इट्स स्टेम और इट्स लीफ, ये क्या कह दिए जाते हैं, स्पोरोफिटिक पार्ट। लेकिन बहुत कम समय के लिए
एक फेज आती है जिसको आप कहते हो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। इन्हीं प्लांट के अंदर जैसे मान लीजिए मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री के अंदर पूरे साल फ्लावर नहीं आएंगे, पूरे साल उसमें फल नहीं लगेंगे, पूरे साल तक उसमें रूट स्टेम और लीफ ये दिखता रहेगा, लेकिन कुछ महीनों के लिए उसमें फ्लावरिंग आनी शुरू होती है, मतलब गैमेटोफिटिक कंडीशन आनी शुरू होती है, मतलब हैप्लॉइड सेल्स बनने शुरू होते हैं। और जब कभी भी उसमें क्या आ जाए, फ्लावरिंग आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि अब वो अपनी गैमेटोफिटिक फेज में एंटर कर चुका है। अब यहां मेल गैमेट बनेंगे, यहां फीमेल गैमेट बनेंगे, और मेल और फीमेल गैमेट अब बन जाने के बाद एक दूसरे से फर्टिलाइज होंगे, और इस प्रकार से एक प्रोसेस शुरू होगा जिसको आप कहते हो रिप्रोडक्शनल इवेंट, है ना, रिप्रोडक्शनल इवेंट। तो रिप्रोडक्शनल इवेंट इसलिए जरूरी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को लाया जा सके, है ना। तो अब इसमें से, इस पूरे वाले सेगमेंट में से प्लांट डेवलपमेंट वाला हिस्सा कहां पर आता है? प्लांट डेवलपमेंट वाला हिस्सा आता है इस गैमेटोफिटिक फेज के बारे में चर्चा करना, प्लांट के स्पोरोफिटिक पार्ट के बारे में चर्चा करना प्लांट डेवलपमेंट टॉपिक का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आपको सीधे रेस्ट्रिक्ट कहां पर होना है, अगर ये बात क्लियर है तो फिर आप बहुत सारी चीजों को या बहुत सारा टाइम बचा पाओगे, बहुत सारा कुछ काम का पढ़ पाओगे। तो डेफिनेटली, क्योंकि हम प्लांट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लांट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, सो वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ अप टू द गैमेटोफिटिक फेज, दैट मींस अ रिप्रोडक्टिव इवेंट इनटू द प्लांट्स। ठीक है, क्लियर हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गए आप अपने आप को, है ना, आपको क्या पढ़ना था आपको साफ हो गया, क्लियर हो गया, एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो ये तो पता चल गया कि आज पढ़ने क्या वाले हैं, ये तो पता चल गया कि क्यों उतना ही पढ़ना है, लेकिन हर पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एक जो बहुत जरूरी चीज होती है वो है मोटिवेशन, कि भाई बहुत लंबा वक्त है ना, अभी गेट 24, मतलब अभी तो साल शुरू हुआ है और आप अगले साल की बात कर रहे हो, है ना। तो बात ये है कि प्लानिंग लंबी करनी पड़ती है अगर आपको आपके जीवन में सफल बनना है। एक या दो दिन की प्लानिंग आपके काम नहीं आएगी, लंबी प्लानिंग आपके काम आएगी। तो आपके मोटिवेशन के लिए, जी हाँ, गेट 2024 को किसी भी तरीके से पाने के लिए एक कर्म एक ध्येय तू ही लक्ष्य एक में, मतलब गेट 2024, इस ध्येय को पाने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहेगी। एक छोटी छोटी गोलियां हैं जो हर सेशन की शुरुआत में आपको देनी पड़ेंगी, और ये गोलियां अगर आप रोज लेते रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये बात आप जानते भी हैं। तो चलो आज एक गोली मोटिवेशन वाली आपको दे दी जाए। क्या है? जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के कई सारे मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं सुनते होंगे, मोटिवेट होते होंगे और अपने काम को जी लगा करके करते होंगे, और कुछ समय के बाद हो सकता है आपको फिर से रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती हो। तो जब रिचार्ज होने की जरूरत पड़े तो एक बार हमारे इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, इस मोटिवेशनल कोट को पढ़ लेना, लाइन को पढ़ लेना, और अपने इस एम को याद रख लेना। अगर आप एम याद रखोगे ना, तो एट द एंड आपको आपके एम तक पहुंचने के लिए सफल होने से कोई नहीं रुक पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा जी प्रणाम, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है जो आज के दिन में मैं कवर करने की पूरी कोशिश में हूं, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। बीच बीच में मैं बता दूंगा कि ये वाला नजरिया एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, ध्यान रखना, राइट, ओके, राइट। चलिए, सो क्या क्या पढ़ेंगे भाई? मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मतलब मेल गैमिट डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, फीमेल गैमिट डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, ये सब हो जाने के बाद कैसे मेल और फीमेल गैमिट का मिलन होता है, और उसके बाद मिलन का अर्थ है कि पॉलिनेशन के थ्रू वहां पहुंच गया फीमेल पार्ट तक, और उसके बाद फाइनली जो फ्यूजन वाला इवेंट है, फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है, ये कैसे होता है, एंड देन जायगोट का फॉर्मेशन, और जायगोट के साथ साथ और कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस, है ना,
प्री फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। इस प्रकार से तीन सेगमेंट में आप कंप्लीट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को बांट सकते हो। सबसे पहले जो हिस्सा हमें चर्चा में लेना है, सबसे पहले जो हिस्सा हमें डिस्कस करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में और मैं दे दूं, क्योंकि डायग्रामेटिक वे में इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा आनंद आता है। जैसे कि एग्जैक्टली हम बात करके आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर होने वाले डेवलपमेंट के बारे में। हमें पता है कि प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होगा, ना ही जायगोट बनेगा, ना ही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, ना ही फिर बाद में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जैसी चीजें बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा इवेंट कैसे होता है, कहां पर होता है? तो आप बात करते हैं जब प्लांट के अंदर आती है फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के दौरान प्लांट के अंदर बनते हैं दो यूनिक प्रकार के ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं कंप्लीट रिप्रोडक्टिव इवेंट के लिए, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आई होप आप में से कई सारे बच्चों ने कहीं न कहीं पर पढ़ रखा होगा, कहीं न कहीं पर ये वाले डायग्राम्स बना भी रखे होंगे, और डायग्राम्स ही नहीं बल्कि सारी की सारी चीजों के बारे में पता भी होगा, है ना। सो द वेरी इसेंशियल कंपोनेंट इन टू द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज अ स्टेमेन एंड कार्पल, है ना, स्टेमेन एंड कार्पल। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसे कह दिया जाता है स्टेमेन, और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसे कह दिया जाता है कार्पल, है ना, कार्पल। स्टेमेन जो कि मेल पार्ट है और कार्पल जो कि फीमेल पार्ट है, इसका मतलब यहां पर मेल गैमेट स्टेमेन के अंदर किसी एक पोर्शन में बनता है जिसका नाम एंथर है। इस वाले हिस्से को एंथर कहा गया है। एंथर वाले हिस्से के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी और बीच में पाया जाने वाला यूनिक प्रकार का स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो ओव्यूल, एंड दैट ओव्यूल इज हैविंग अ फीमेल गैमेट इनसाइड। तो ये सारी बातें बड़ी बेसिक सी हैं, आई होप आपने लोअर लेवल पर 12th की कक्षा में इन सारी चीजों को पढ़ रखा होगा। और पहले तो इन दोनों का होता है डेवलपमेंट, इंडिविजुअली दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग डेवलप होंगे, हो सकता है एक ही फ्लावर में डेवलप हो सकता है अलग अलग फ्लावर में डेवलप हो। तो जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं लाइक जरूर करना बेटा, बहुत सारी बातें हैं जो यहां से आप सीख के जाने वाले हो। इसी एंथर के अंदर बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स, है ना। कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, कौन से स्ट्रक्चर से बनते हैं, ये सारी बातें भी हम लोअर क्लास में पढ़ लेते हैं, है ना, निचली कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा, इट विल बी गेट रिलीज आउट एंड देन थ्रू एयर, हवा की मदद से या किसी और एजेंट की मदद से, फाइनली दिस पोलन ग्रेन इट विल रीच अप टू दिस, है ना, स्टिग्मा तक पहुंचेगा। और एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाए, सो इस प्रकार से अब आप कंप्लीट प्रोसेस को आउटलाइन कर सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट इवेंट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो भी मेल गैमेटोफाइट है सबसे पहले उसके डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की जाती है। उसके बारे में क्या बात की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए वो कब होता है, जब फ्लावर अपनी बर्ड कंडीशन में बंद होता है ना, फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं, अंदर ही अंदर वो मैच्योर हो रहे होते हैं। जैसे ही वो मैच्योर होंगे देन द फ्लावर विल बी गेट ओपन। फ्लावर ओपन हो गया तो अब क्या हो जाना चाहिए कि किसी प्रकार से इस मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को या मेल गैमेटोफाइट को कहां तक पहुंच जाना चाहिए, स्टिग्मा तक, एंड द इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन, है ना। तो आप इस प्रकार से सब कुछ पढ़ने वाले हो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा पॉलिनेशन। और एक बार पॉलिनेशन हो गया तो फिर अगला इवेंट शुरू होगा, दैट इज नथिंग बट अ फोर्थ इवेंट,
इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब यही है कि पोलन ट्यूब बने, पोलन ट्यूब फाइनली यहां से जर्मिनेट होकर के यहां स्टिग्मा से होता हुआ कहां पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए और फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो। तो फर्टिलाइजेशन इज अ फोर्थ इवेंट। एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना। तो आउटलाइन जब कभी भी आपको याद रखनी हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यू कैन रिमेंबर ऑल द स्टेप्स, सारे जरूरी स्टेप्स आपको याद रह जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम इसलिए बनाना था मुझे ताकि एटलीस्ट कंप्लीट आउटलाइन आपके नजरों के सामने आ जाए, जो लॉजिकल मैप बनना चाहिए दिमाग में वो बन जाए। और अगर बन चुका है सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। एंथर के अंदर याद रखिए, मैं पूरी की पूरी बात डिटेल में तो लेके जाने वाला नहीं क्योंकि वो सारी बातें एग्जाम में आने वाली नहीं। एग्जाम में जरूरी क्या है एग्जैक्टली गैमेट का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कंप्लीट मैकेनिज्म, जिसे कह दिया जाता है मेल गैमिटो, पहले तो होगा स्पोरोजेनेसिस, तो चलिए पहले स्पोरोजेनेसिस की बात करें और उसके बाद फिर गैमिटोजेनेसिस की बात करेंगे। सबसे पहला इवेंट स्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज एग्जैक्टली द स्पोरोजेनेसिस, तो देखने को मिलेगा कि एंथर के अंदर कोई एक यूनिक तरह का सेल जो कि डिप्लॉइड सेल है, थोड़े से बाकी सेल से बड़ा सेल है, ये सेल पाया जाता है। द सेल इज देयर इनसाइड द एंथर, टैपेटम लेयर के जस्ट नीचे, टैपेटम लेयर के जस्ट नीचे पाया जाने वाला सेल स्पोरोजेनस सेल भी कहा जाता है। इसी को हम पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस सेल विल एंटर इनटू द इवेंट विच इज नोन एज मियोसिस, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। जैसा कि आप जानते हैं मियोसिस वन दो स्टेप में होने, या मियोसिस दो स्टेप में होने वाला डिवीजन है। मियोसिस होने के बाद देखने को मिलेगा कि वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, और यहां पर अब हैप्लॉइड स्पोर्स बने हुए हैं। जी हां, इनको मैं क्या लिख रहा हूं, स्पोर्स। लेकिन ये जो स्पोर्स हैं ये चार हैं, इसीलिए कई बार इनको टेट्रास्पोर कह दिया जाता है। याद रखें मियोसिस के बाद अंत में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी ग्रुप बनेगा, उनको हम क्या कह रहे हैं, टेट्रास्पोर्स। खास बात यहां पर ये है जिसको आप याद रखोगे, एग्जाम के हिसाब से काफी जरूरी है, स्टेटमेंट्स के अंदर होता है, वो ये है कि प्लांट्स में मियोसिस के बाद गैमेट न बनकर के क्या बन रहे होते हैं, स्पोर बन रहे होते हैं। जनरली आपने एनिमल फिजियोलॉजी में तो पढ़ा होगा कि मियोसिस के बाद गैमेट्स बनते हैं, लेकिन आप यहां पर एक बात नोट डाउन करके रखेंगे कि मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, ठीक है। अगर गैमेट बनना हो तो कैसे बनेगा, तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने यहां पर देखा, दिस इज नोन एज टेट्रास्पोर्स, ठीक है। और ये जो टेट्रास्पोर्स हैं ये समय के साथ एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो इनके बीच में कैलोज है जो इनको जोड़ करके रखता है, ये कैलोज ड्राई हो जाता है, और कैलोज अगर ड्राई हो जाए तो फिर ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, और सेग्रीगेट होने पर धीरे धीरे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स, ऑर्नामेंटेशंस भी डेवलप करना शुरू कर देंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन विच इज मेड बाय द टैपेटम लेयर्स, टैपेटम लेयर ही कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये हाल होता है, और इस प्रकार से बनता है सिंगल पोलन ग्रेन।
ये जो सिंगल पोलन ग्रेन बनना या स्पोर बनने का जो इवेंट है, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? स्पोरोजेनेसिस। स्पोर बनने के इस इवेंट को स्पोरोजेनेसिस कहा गया है। तो एक सेगमेंट तो ये है जो कि आपको ध्यान रखना है, और अगला सेगमेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है वो है मेल गैमिटोजेनेसिस। Now, what is exactly the male gametogenesis? Male gametogenesis का मतलब है कि अब गैमिट का फॉर्मेशन होगा। अभी तक हैप्लॉइड स्पोर तो बने हैं लेकिन गैमिट अभी भी नहीं बना है। गैमिट का फॉर्मेशन होना इज नोन एज अ गैमेटोजेनेसिस। और अब कहा जाएगा कि मान लीजिए ये जो सिंगल पोलन ग्रेन है, हैप्लॉइड सिंगल पोलन ग्रेन, अगर आप अंदर से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो नाउ इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेल दैट पोलन ग्रेन यू विल फाइंड वन लिविंग सेल, एक जिंदा सेल है, हैप्लॉइड सेल है अंदर प्रेजेंट, जिसको आप स्पोर कह रहे हो। नाउ दिस पर्टिकुलर सेल विल एंटर into mitosis। जी हां, ये कौन से डिवीजन में जाएगा? माइटोसिस वाले डिवीजन में जाएगा। और माइटोसिस वाले डिवीजन में जाने के बाद यहां पर दो प्रकार के सेल बनेंगे। जी हां, अब मैं डायग्राम को थोड़ा सिंपल रखता हूं। एक बड़े साइज का सेल और एक कंपेरेटिवली छोटे साइज का सेल। जो बड़े साइज का सेल है इसको आप कहते हो ट्यूब सेल। ये जो बड़े साइज का सेल है इसको आप नाम देते हो ट्यूब सेल। ये जो छोटे साइज का सेल है इसे आप नाम देते हो जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्यूब सेल? ट्यूब सेल वो सेल है जो भविष्य में जाकर के क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल क्या है? ये वो सेल है जो फ्यूचर भविष्य में जाकर के बनाएगा मेल गैमेट्स। ठीक है, तो एक बार इसमें अगर माइटोसिस हो तो आपको क्या देखने को मिलते हैं? यस, आपको क्या देखने को मिलते हैं एक बार अगर माइटोसिस हो जाए तो? एक बार अगर माइटोसिस हो जाए तो यहां पर हमें ज्यादातर दो प्रकार के सेल देखने को मिले, एक तो वेजिटेटिव और एक तो जनरेटिव सेल। अब आगे यही जनरेटिव सेल, दिस सेल विल एंटर इनटू वन मोर माइटोसिस। यही जनरेटिव सेल एक और माइटोसिस में जाएगा और फाइनली फॉर्म करेगा मेल न्यूक्लियाई। तो ये जो जरूरी जानकारी है इसी को आपको ध्यान रखना है। मेल न्यूक्लियाई, इसी को लोग मेल गैमिट भी कह देते हैं। और अगर ये बन गया तो फिर समझिए मेल गैमिटोजेनेसिस का जो इवेंट है ये पूरा हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि ये बताया जाता है कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन पोलन ट्यूब के अंदर होता है, आफ्टर पॉलिनेशन होता है। ये बात सही है, ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपको जो ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट को लेकर के वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि मान लीजिए प्लांट के अंदर किस प्रकार से गैमिट बनेगा, और वो भी कितने मेल न्यूक्लियाई बनते हैं? दो, टू मेल न्यूक्लियाई एक सिंगल जनरेटिव सेल से। तो अब एक सवाल यहां से यह बनता है कि इस पूरे के पूरे गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में मान लीजिए शुरुआत किसी एक सेल से हो, किसी एक सेल से शुरुआत हो, एक स्पोरोजिनस सेल से शुरुआत हो, तो कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस होना पड़ता है? चलो जल्दी जल्दी बता दो कि आपने मेल गैमेट बनाने की शुरुआत की है ना, कंडीशंस आपको दे दी गई और कंडीशंस कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल से गैमिट बनाने हैं।
वो भी मेल गैमेट, तो मुझे बताइए कि कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होने चाहिए कम से कम, तब जाकर के फाइनली बन जाएगा। जवाब देना शुरू करिए, और जो बच्चे लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे सेशंस तो हम बाद में भी देख लेंगे, बाद में हमारे फायदे की बातें इसमें से जो है वो मिली जाएंगी। याद रखना, जो काम आप अभी कर रहे हो वही आपसे होगा, बाद की चीजें कभी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ काम है, आप व्यस्त रहते हो, है ना। सो जो करना है वो अभी कर लो, लाइव में कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है। शाबाश। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो सबसे पहले एक मियोसिस हुआ, एक बार मियोसिस हुआ, और उसके बाद दो बार माइटोसिस हुआ, तब जाकर के क्या बना? गैमेट। और गैमेट बना भी कैसे? गैमेट बना माइटोसिस से। मियोसिस से क्या बना? स्पोर। ये सारी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आपको न्यूमेरिकल बना करके दिया जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे दिया जाएगा कि मान लीजिए हमारे इस डिप्लॉयड सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स। तो बताइए कि आफ्टर द एंटायर डिवीजन, सारा डिवीजन होने के बाद, गैमिट बनने के बाद, गैमिट बनने के बाद ध्यान से मेरी बात सुनना, पोलन ट्यूब के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, टोटल नंबर काउंट करो, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करो, है ना। अगर डिप्लॉयड सेल से शुरुआत हुई है तो पोलन ट्यूब के अंदर, ध्यान रखना पोलन ट्यूब के अंदर स्थिति क्या रहेगी, पोलन ट्यूब के अंदर तीन प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, तीन प्रकार के। आपको बस इतना ही मुझे बताना है कि कितने होंगे पोलन ट्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोचो, सारा प्रोसेस आपके सामने है, सारे इवेंट आपके सामने हैं, आप एक एक करके देखें, देखने के बाद अंदाजा लगाएं, सब चीजें आपके सामने है ना। सवाल ऐसे ही बनते हैं, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि भाई अगर शुरुआत में 46 थे तो मियोसिस में सबके अंदर कितने बचे, हाफ बचे, हाफ बचा हुआ से ही शुरुआत हुआ, दैट मींस 23 से शुरुआत हुआ है, 23 एक बार माइटोसिस में जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, देखो 23 इसमें है, 23 इसमें है, है ना, कितने हो गए 46। उसके बाद ये जनरेटिव सेल एक बार और अगर माइटोसिस में जाएगा तो फिर यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 23 23 46। इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, देखो कितने क्रोमोसोम, फाइनली पोलन ट्यूब के अंदर देखे जाएंगे। पोलन ट्यूब के अंदर तीन न्यूक्लियस होंगे, ट्यूब सेल का खुद का न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद फिर जो जनरेटिव, सॉरी जो जनरेटिव सेल के माइटोसिस की वजह से बने हुए मेल न्यूक्लियाई हैं, वो दो हैं, कितने हो गए टोटल, तो कह रहे हैं 94 हो जाएंगे। तीन अगर प्रेजेंट हैं, 23 प्लस 23 प्लस 23, तो अंदाजन ये कितना हो गया आंसर, है ना, ये हो गया 9 और ये हो गया 6, ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है, ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, बस आपको पता हो अगर चार न्यूक्लियस अंदर होते तो बात अलग होती है, बट इस प्रकार की स्थिति होती है, 69 विल बी आंसर। इसके ऊपर भी सवाल आए हुए, आप एक बार उठाकर के पीवाईक्यू वाली किताब देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा यहां ऐसे भी सवाल आए हुए हैं। आपसे पूछ लेंगे कि मान लीजिए मैंने पोलन ग्रेन दिया आपको, मैंने जनरेटिव सेल दिया आपको, मैंने ट्यूब सेल दिया आपको, तो बताओ उनके अंदर
उनके अंदर क्रोमोसोम कंटेंट कितना होगा, चलो अब मैं लिख देता हूं यहां पर, पीएमसी सेल, पोलन मदर सेल, उसके बाद अगला है पोलन ग्रेन, उसके बाद ट्यूब सेल, फिर जनरेटिव सेल, इन सभी के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। अगर मान लीजिए हमारा स्पोरोजिनस सेल या उस प्लांट के सोमैटिक सेल्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, 46। अब जवाब क्या होगा, अब जवाब क्या होगा, अब जवाब क्या होगा बताओ, है ना। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं कि पीएमसी सेल के अंदर 46 ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, पोलन ग्रेन के अंदर ये आधे हो जाएंगे मियोसिस की वजह से, सही बात है, ट्यूब सेल के अंदर भी ये आधे ही रहेंगे, ये भी परफेक्ट है, ऐसे ही जनरेटिव सेल के अंदर भी ये इतने ही रहेंगे, ये जवाब है। तो ऐसे सवाल आते हैं, और जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस इतना पता हो कि भाई पहले स्पोरोजेनेसिस होती है, फिर गैमेटोजेनेसिस होती है, और जब स्पोरोजेनेसिस होती है तो मियोसिस होता है, जब स्पोरोजेनेसिस होती तो मियोसिस होता है। कई बार बच्चे यही फंस जाते हैं कि स्पोरोजेनेसिस हो रहा है ना, स्पोर बन रहा है तो माइटोसिस से बन रहा होगा, स्पोर बन रहा है तो माइटोसिस से बन रहा होगा, इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर वही रहेगा। तो ये सवाल जब आते हैं तो आप फंस जाते हो, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है कहां पर, पोलन ग्रेन के अंदर, ध्यान रखना पोलन ग्रेन के अंदर भी हो सकता है, पोलन ट्यूब के अंदर भी हो सकता है, दो अलग अलग बातें बताई जाती हैं। बाकी मोस्ट कॉमनली जो गैमेटोजेनेसिस का इवेंट है स्पेशली मेल गैमेट का, वो पोलन ट्यूब के अंदर बहुत कॉमनली जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे दो सेगमेंट के अंदर। सबसे पहला सेगमेंट क्या कहा जाएगा, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीनियर स्पोर टेट्राड। चार तो बनेंगे लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में होंगे, तो ये है एक प्रकार की क्या, स्पोरोजेनेसिस ही, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और क्या कह दोगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होता है यहां पर, ओव्यूल के अंदर ध्यान रखिएगा स्पेशल तरह का डिप्लॉइड सेल, जिसको कई बार अलग अलग आर्किस्पोरियल सेल भी कह देते हैं, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स चलते हैं इनके लिए, इस प्रकार का कोई एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर, या कह सकते हो अर्ली जो ओव्यूल है उसके आसपास में, ये जो सेल यहां पर प्रेजेंट है, दिस विल एंटर इनटू मियोसिस। ये किस में एंटर करेगा, मियोसिस में एंटर करेगा, जैसा कि हम इसके पहले भी इस बात को देख चुके हैं। मियोसिस वन, मियोसिस टू, दोनों मियोसिस, दोनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर फॉर्म होगा एक, दो, तीन, चार, क्या बन गए, स्पोर्स। ये चारों के चारों स्पोर लीनियरली अरेंज्ड हैं, ध्यान रखिएगा, इनको हम लीनियर टेट्राड्स कहते हैं,
ठीक है। देखो फिर से हुई मियोसिस, और मियोसिस का रिजल्ट क्या आया, लीनियर टेट्राड। और अब इन चारों में से कोई एक जीवित रहेगा और बाकी सबकी डेथ हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो चलाजा के काफी करीब या अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलती रहती है, बाकी सबकी मौत हो जाती है। मतलब कुछ समय के बाद स्थिति इस प्रकार की दिखाई देगी, ये रह गया अकेला जिंदा और बाकी सबकी क्या हो गई, मौत। बाकी तीन सेल डिटोरिएट हो गए, डीजनरेट हो गए, और अब यहां तक का जो इवेंट है वो क्या कहलाएगा, स्पोरोजेनेसिस। स्पोर बन गए, बात खत्म, मेगा स्पोर बन चुका है। दिस इज अ सिंगल मेगा स्पोर, ठीक है। ये जो सिंगल मेगा स्पोर है, नाउ दिस विल गिव राइज टू, दिस विल गिव राइज टू फीमेल गैमिटोजेनेसिस, फीमेल गैमिटोजेनेसिस। फीमेल गैमिटोजेनेसिस अब यहां पर होना शुरू होगा, कैसे होना शुरू होगा इसी बात को आपको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे होगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस वाले इवेंट के लिए फिर से गैमेट कैसे बनते हैं, माइटोसिस से। तो मतलब ये जो एक जिंदा बचा हुआ सेल है, यही एक जिंदा बचा हुआ सेल अब एंटर करेगा किसके अंदर, ये जो हैप्लॉइड सेल अभी अभी फॉर्म हुआ है, जिंदा बचा हुआ है, दिस पर्टिकुलर हैप्लॉइड सेल। ये सारे लीनियर टेट्राड्स भी कैसे थे, हैप्लॉइड थे, और अब ये सिंगल बचा हुआ जो सेल है, दिस विल एंटर इनटू माइटोसिस, और माइटोसिस में जाने के बाद आगे की प्रोसेसिंग शुरू होगी। चलिए देखते हैं माइटोसिस वो भी कैसा, न्यूक्लियर, ओनली न्यूक्लियस विल बी गेट डिवाइडेड। आप कह सकते हो साइटोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस होगी, है ना, कि पहले हुआ यह कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, ये हो गया सबसे पहला डिवीजन। फिर उसके बाद इसी के अंदर डिवीजन टू हुआ, अगेन इट इज एग्जैक्टली लाइक अ माइटोसिस, बस खाली क्या नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस वाला इवेंट नहीं हो रहा, ये बन गए दो और ये बन गए दो, कुल मिला के चार। फिर एक बार और होगी माइटोसिस, थर्ड टाइम, और अब जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हो वो कुछ इस प्रकार से बन चुका है, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, इस प्रकार से चार चार न्यूक्लियाई आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, दो अलग अलग पोल्स पर बने हुए देखने को मिल रहे हैं, और अब ये एक पोल पर का न्यूक्लियस यहां बीच में चलाएगा माइग्रेट करके, एक यहां से चलाएगा माइग्रेट करके, और इसीलिए ये दोनों न्यूक्लियाई जो आपको अब आगे, मैं डायग्राम को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं ताकि अपने को जगह मिल जाए सारी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपको देखने को मिलेगा कि यू विल फाइंड वन न्यूक्लियस हियर, वन न्यूक्लियस हियर, वन न्यूक्लियस हियर, चार में से तीन रह गए, एक तो चला गया था बीच में, है ना, ये आ गया बीच में, देखो यहां पर ऊपर से आया, इसीलिए इसको पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर एक रह गया यहां पर, एक रह गया यहां पर, एक रह गया यहां पर, और एक जो माइग्रेट करके पोल्स से बीच में आया था वो यहां पर। इस प्रकार से अब आप फाइनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर माइग्रेशन अब आप देख सकते हैं कि यूनिक तरह की टिपिकल कंडीशंस यहां पर बन चुकी है। कुल मिलाकर के कितने न्यूक्लियस है कोई काउंट करके बताएगा, जरा काउंट करें। हां जी, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जरा गिन करके बताएंगे टोटल कितने न्यूक्लियस है। तो तीन दो
पांच हो गए और तीन आठ हो गए, कुल मिला के आठ। और अब इसके बाद इनमें क्या देखने को मिलेगी, साइटोकाइनेसिस। अब इनमें होगी साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और अब इस प्रकार से फाइनली बना हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस हैं वो तो आपको पता है, कितना सेल है ये काउंट कर सकता है कोई, सेल कितने हैं ये भी आपको काउंट करना है, क्योंकि आप इस कंडीशन को फाइनली जो डेवलप होकर के बनेगा एम्ब्रियो सैक का, इसको सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट कंडीशन के नाम से जानते हो, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट कंडीशन के नाम से जानते हो। तो हर कलर क्या करता है, एक साइटोप्लाज्मिक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, हर सेल एक साइटोप्लाज्मिक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जरा गिन करके बताओ कि कितना सेल है, सेल दैट मींस साइटोसोलिक पोर्शन अलोंग विद इट्स न्यूक्लियस। जरा काउंट करो और बताओ, आठ न्यूक्लियस तो थे ही, और अब यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स। जैसे इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया जाता है सिनर्जिड्स, इनको नाम दे दिया जाता है क्योंकि ये पोल से आए थे, दोनों अलग अलग पोल से हैं, तो इसीलिए पोलार न्यूक्लियाई। ये जो एक बड़ा सा सेल यहां पर आपको दिख रहा है ये एग है, और फिर यहां जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं They are known as synergids. ये synergid नहीं है, antipodals है, ये antipodals, ये synergid हो गए, और synergid के अंदर पाए जाने वाले filiform apparatus, ठीक है, filiform apparatus। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो अभी यहां पर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो, इसको कहते हो एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार से डेवलप होता है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब यहां से भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं, है ना, कि भाई मान लो वो जो सबसे पहला आर्किस्पोरियल सेल था डिप्लॉइड वाला, या कई बार स्पोरोजिनस सेल भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो अगर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम वाला था तो फिर क्या होगा, कितनी बार माइटोसिस होगी, कितनी बार मियोसिस होगी, ये वाला सवाल आ जाएंगे। आपसे पूछ लेंगे कि बताइए एंटीपोडाल सेल्स, पोलार न्यूक्लियाई, एग सेल्स, सिनर्जिड्स, इन सभी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इनके आसपास में जो पाए जाते हैं ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर जिनको आप कहते हैं न्यूसिलस, जो इसके आसपास में पाया जाएगा, न्यूसिलस, इंटिग्यूमेंट्स, फिनिकल्स, फिनिकुलस, इस सब के अंदर कितने सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में, टैपिटल सेल्स के बारे में, तो टैपिटल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा रह सकते हैं। तो हर एक टिश्यू के अंदर क्या स्थिति होती है, इसी से कई सारे सवाल बनते हैं। मतलब आपको अगर ये बात भी पता है कि अलग अलग टिश्यूज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की संभावना क्या है,
तो भी आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको आ जाएंगे। समझे? ये सब चीजें हैं। तो इस पूरे के पूरे एक पेज में ही सारी जानकारी समराइज्ड है। अब डिपेंड्स, आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के बाद आप देखें कि क्या लॉजिक लगेगा, क्या अंदाजा लगेगा, उसके हिसाब से आपको सोचना है और बात खत्म। ठीक है भाई, मेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, फीमेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, है ना। मेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया और फीमेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया। याद रखना, जो सारी गणित मैंने मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल स्पोरोजेनेसिस के दौरान बताई, वही सारी गणित, वही सारे तरह के क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते, यहां से भी, है ना। आपको करना यह है कि जितने भी मेल अलग अलग टिश्यूज हैं, लाइक एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम है, मींस मिडिल लेयर्स है, टैपिटल लेयर्स है, इन सारे लेयर्स की नंबर ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट क्या है, लिख के रखो। डिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, या फिर हैप्लॉइड है, क्या है, लिख करके रखो, है ना। उसके बाद फिर ऐसे ही फीमेल स्ट्रक्चर जो है पूरे के पूरे ओव्यूल का, ओव्यूल में चलाजा है, इंटिग्यूमेंट है, उसके बाद म्यूसिलस है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के कुछ टिश्यूज हैं, सभी के लिख करके रखो। उसके बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट हर एक सेल का लिख करके रखो। ये सारी बातें जब आप लिख करके रखोगे तो फिर आपको मदद मिलेगी यहां से आने वाले सवालों को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो शाबाश। अब क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मैच्योर हो चुके हैं, मेल गैमेट मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया, फीमेल गैमेट डेवलप हो गया, अब किसी तरीके से दोनों ऑर्गन डेवलप हैं और अब किसी तरीके से मेल गैमेट को फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना चाहिए, है ना, मतलब स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए। द मैकेनिज्म इज नोन एज पॉलिनेशन, मैंने कहा भी था, हेडिंग भी बना दी थी, पॉलिनेशन के थ्रू ये पहुंचते हैं। सो पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन, बेसिक एकदम। पॉलिनेशन के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि प्रिमिटिव तरीका, सबसे पुराना तरीका कहा जाता है हवा का सहारा लेना, विंड पॉलिनेशन, या एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन करना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादातर एयर का, अनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि जिम्नोस्पर्म्स सबसे ज्यादा इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में एक ज्यादा बेहतरी हुई पॉलिनेशन के मामले में, क्या कि उन्होंने बायोटिक एजेंट्स का सहारा लिया पॉलिनेशन के लिए, अलोंग विद एबायोटिक। एबायोटिक तो थी पहले से यूज में, लेकिन अब कुछ नए तरह के एजेंट्स को हायर किया गया जो कि बायोटिक एजेंट्स थे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और यहां पर एक लिस्ट में लेकर के आया हूं जो कि आपको एग्जाम के हिसाब से कई बार यहां से सवाल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंट्स की, तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि पॉलिनेशन करा सकते हैं, उस पॉलिनेशन के टाइप को क्या नाम दिया जाता है, है ना। जैसे एंटोमोफिली, इंसेक्ट अगर करा रहे हैं पॉलिनेशन, है ना। उसके बाद ऑर्निथोफिली, अगर बर्ड करा रहे हैं पॉलिनेशन। फिर कैरेप्टरोफिली, अगर बैट जो रात में उड़ता है वो करा रहा हो पॉलिनेशन। फिर है मेलाकोफिली, अगर स्नेल या स्लज करा रहा हो पॉलिनेशन। फिर आप देख रहे हैं मायोफिली है, अगर सेंटीपीड, मिलीपीड या ऐसे कुछ ज्यादा, कुछ छोटे छोटे फ्लाइज, है ना, सेंटीपीड मिलीपीड है ना, जो फ्लाइज है वो करा रहे हो पॉलिनेशन। उसके बाद फिर आ जाता है कैंथ्रोफिली, बीटल्स अगर करा रहे हो पॉलिनेशन। और उसके बाद आ जाता है साइफोफिली, अगेन बटरफ्लाईज के थ्रू अगर होता है तो यूनिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ध्यान रखना है कि कई बार ऊपर के जो दो तीन हैं वो तो हमको पता है, बट ये जो कुछ एडिशनल टाइप्स हैं ये हमें नहीं पता होते हैं, और कई बार यहां से सवाल आता है तो हम फंस जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर दे रखे हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, यहां दे रखे हैं कुछ यूनिक तरह के नाम, और अब आपको जोड़ियां मिलानी है। कई बार यहां से सवाल बनता है और आपको पता नहीं होता है, है ना। तो छोटे छोटे सवाल जो यहां से बनते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, मेरे साथ ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो शाबाश। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां जो आपके पास कई बार मिसिंग होती है वो मैंने यहां पर सीधे सीधे प्रोवाइड कर दी। अब मान लो पॉलिनेशन भी हो गया,
पोलन ग्रेन पहुंच भी गया, कहां पर? स्टिग्मा पर। लेकिन स्टिग्मा पर जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि गेट 2024 के कोर्सेज पर, फिर से मैं बता रहा हूं कि ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% का ऑफ है। हमारी अभी भी एक नई बैच शुरू हुई है, आप उस बैच से जुड़ सकते हो, आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हो। YouTube के चैनल पे भी हम आपको मदद करेंगे और ऐप के अंदर और भी फीचर्स हैं जिनसे आपको बहुत सारी मदद मिल जाती है। 3 दिन बचे हुए ऑफर खत्म होने का, ध्यान रखिएगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का बड़ा सीधा सा मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्टली यही मीनिंग है कि जो मेल गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट बने, वो फ्यूज हो किससे? फीमेल गैमेट्स से या गैमेटोफाइट्स से। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ध्यान रखना हम एंजियोस्पर्म्स के सेंस में सारी बात पढ़ रहे हैं, तो यहां पाए जाने वाले फर्टिलाइजेशन को जो इसे यूनिक बनाता है उसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सवाल भी इस बार कुछ इसी प्रकार के आए थे डबल फर्टिलाइजेशन से। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला फर्टिलाइजेशन, इसे कहा जाता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब है मेल न्यूक्लियाई प्लस फीमेल गैमेट, दैट इज नथिंग बट अ एग। एग लिख दो, इतना लंबा नाम क्यों लिखना है? एग का फ्यूजन। अगर ये दोनों का फ्यूजन होगा तो फाइनली बनेगा जायगोट। जबकि वहीं पर अगला जो इवेंट होगा इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, है ना? ट्रिपल फ्यूजन से हमारा क्या मतलब है कि तीन अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे। एक तो मेल न्यूक्लियाई सिंगल एन, और उसके बाद फिर देखने को मिलता है आपको कि पोलार न्यूक्लियाई जो कि एन प्लस एन कहे जाते हैं, इनका फ्यूजन होगा और बनेगा पी ई एन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, यहां पर डिप्लॉइड होगा। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का इवेंट जब कभी भी होगा तो आप देखेंगे कि दो प्रकार के, या हम कहते हैं द फर्टिलाइजेशन इज वेरी कॉमनली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट के दौरान तीन अलग अलग तरीकों से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर हो सकता है, इसके ऊपर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, है ना? ओके, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा ओरोगैमी। फर्टिलाइजेशन में या फ्यूजन में जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के साथ फ्यूज हो रहा होता है तो फ्यूजन के दौरान ये तीन तरीकों से संभव है, ओरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजीज भी ध्यान रखिएगा, अगर यहां से सवाल आते हैं तो भी आप इस चीज को समझ पाओगे। ओरोगैमी का मतलब है कि जो भी माइक्रोपाइलर रीजन है वहां से पोलन ट्यूब एंट्री करे। चलाजोगैमी का मतलब है जो भी चलाजा वाला रीजन है वहां से एंट्री हो। मीजोगैमी का मतलब है कि इंटीग्यूमेंट के थ्रू फ्यूजन हो, है ना? इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में आते हैं और हमें पता नहीं होता है। जो बच्चे अभी सेशन में आए हैं लाइक कर दो बेटा सेशन को, है ना? लाइक कर दो।
व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? यूनिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का. एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर है, ठीक है, ध्यान रखना. और किसका क्या मतलब है ये भी मैंने बता दिया, लिखवा दिया. किसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये भी बता दिया. और ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है. यहां से भी सवाल बनेंगे कि मान लीजिए क्रोमोसोम डिप्लॉयड नॉर्मल सेल्स में 46 था, तो जायगोट में कितना होगा? 46 ही रहेगा. प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर वाले सेल में कितना होगा बताओ, बताना पड़ेगा आपको. 3n, इसका मतलब फिर से जो आंसर आपने निकाला था दैट इज 69, वो हो जाएगा, है ना. तो यहां से बनते हैं कई सारे सवाल. डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया. अब आगे आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या जरूरी वाला हिस्सा है, यहां से एग्जाम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपको जनरली यही बताया जाएगा कि मान लीजिए जायगोट बन गया, है ना, मान लीजिए जायगोट बन गया. अब जायगोट से कैसे बनेगा एम्ब्रियो, है ना, कैसे बनेगा एम्ब्रियो जायगोट से. उसके बाद जो दूसरी जरूरी चीज आ जाती है कि मान लीजिए बन गया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, इससे कैसे बनेगा एंडोस्पर्म, ठीक है. और ये जो एंडोस्पर्म है ये तीन अलग अलग तरीकों से बनता है. इट कुड बी सेलुलर और इट कुड बी हेलोबियल, है ना. ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म अगर प्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बना हो तो फिर ये होगा. अगर न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दोनों भी हुआ हो तो फिर उसको सेलुलर कह देते हैं. और अगर मिक्स हो कि इसे कह दिया जाए कि एट अर्ली स्टेज न्यूक्लियर डिवीजन हो एंड लेटर ऑन कंप्लीट सेल डिवीजन हो तो इसको हम एलोबियल कहते हैं. What is the meaning of complete cell? शुरुआत में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे उस सेल्स के अंदर, मतलब मल्टी न्यूक्लियर सेल भी बने. बाद में यही नॉर्मल सेल डिवीजन होने लगी, माइटोसिस टाइप के, ऐसा कुछ, उसको हेलोबियल कहते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. अब जायगोट डेवलपमेंट में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस, यहां से सवाल आता है कि मान लीजिए पहले टू सेल स्टेज बनी, फिर फोर सेल स्टेज बनी, फिर ग्लोबुलर स्टेज बनी, सस्पेंसर बना, एंड ऑल अलग अलग स्टेजेस, यहां से सवाल आते हैं. तो एग्जाम स्पेसिफिक क्या नजरिया चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है. प्लीज इमोशन बैच में आप जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हो आप थोड़ा स्कैवेंजिंग और क्वेंचिंग के बारे में पढ़ाइए. वर्षा कह रही है बेटा स्कैवेंजिंग और क्वेंचिंग ये पढ़ा दिया है मैंने पहले से, जब मैंने कैरेटिनॉइड्स बताया था तब पढ़ा दिया था. जब मैंने ये कहा था कि सारे के सारे जो ज़ेंथोफिल साइकल्स हैं या फिर वहां प्रेजेंट जो कैरेटिनॉइड्स हैं, राइट, ये उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेंगे, इसी को नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहते हैं. ये क्वेंचिंग ही एक तरह से एनर्जी को किसी तरीके से क्या करना, चैनलाइज करके उसे मिनिमम डैमेज वाली कंडीशन तक ले जाना, मतलब उसकी एनर्जी को किसी तरीके से कम कर देना. ये बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है बेटा. तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, पूरी कंप्लीट आउटलाइन मैंने डिस्कस की.
मैंने एग्जाम स्पेसिफिक सारे पॉइंट को हाईलाइट किया। इसी प्रकार से बल्कि इससे ज्यादा भी डिटेल में हम हर एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। बस आपको करना यह है कि पहले आप आए सेशन में जुड़े, बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स क्लियर करने के बाद फिर जैसे जैसे हमारे आगे के सेशन आते जाएंगे उन सेशन में फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक पर जहां पर ज्यादा सवाल आए हैं तो उसको लेकर के फिर अब हम चर्चा करेंगे। तो एक बढ़िया फ्रूटफुल सेशन हमारे चलने वाले हैं। सो डोंट मिस द चांस। आप सभी को सेशन में जुड़ना है, जुड़ करके पढ़ना है, गेट ओरिएंटेड आपका जो माइंडसेट है उसको बनाना है। आशा करते हैं इस पूरे प्रोसेस में आप सब हमारी मदद करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, स्कैवेंजिंग एंड क्वेंचिंग में वैसे तो मेरे हिसाब से कोई खासा फर्क नहीं करना चाहिए। स्कैवेंजिंग मतलब मान लीजिए भाई एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर अब उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना, उनकी एनर्जी को खत्म कर देना या न्यूट्रलाइज कर देना, जैसे कि हमने बात भी की थी। स्कैवेंजर्स होते क्या हैं? जो किसी को भी एंगल्फ कर ले, खा ले, ऐसा ही ना। यही सेम काम तो कैरोटीनॉइड्स, जब हमने बात की थी कि ट्रिपलेट या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगे तो उनके साथ करेंगे, उन्हें किसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट जैसी एक्टिविटीज करा करके उन्हें शांत कर देना। स्कैवेंजिंग का प्रोसेस ये है। क्वेंचिंग का मतलब है कि जो एनर्जी एक्सेस अमाउंट में है उसे एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को किसी तरीके से चैनलाइज कर देना, किसी तरीके से इस अवस्था में ला देना जिससे नुकसानदायक स्थिति ना बने। बाकी और कोई खास फर्क नहीं है बेटा, ठीक है? आप अगर ढूंढोगे तो यही फर्क दिखेगा, इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को पसंद करेंगे, हमारी सीरीज को पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद है हमारी ये सीरीज तो आपको करना क्या है? आपको करना बड़ा सिंपल सा है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, हमारे इस पूरे आने वाले झलक सेशन का प्लानिंग कैसा लगा, और अगर आप उसमें और भी कुछ एड ऑन फीचर्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट बॉक्स के कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि आने वाले सेशंस में और क्या बेहतर आपके लिए हम कर पाए, ठीक है? इसी के साथ सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।